उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के स्लोगन के साथ लोगों को सफाई की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी जी को बधाई दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी जन्मदिन है तो पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान उन के दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और इसने हमारे देश के 140 करोड़ जनता के वो सेवा करते रहे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज हमन शुभारंभ करत हन। मोला मालूम है 15 अगस्त 2014 के वो दिन जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला के प्राचीर से पहली बार तिरंगा झंडा फहराई और वो दिन स्वच्छ भारत मिशन योजना के शुभारंभ करीन। आप सबला मालूम है कि ओकर पहले हमन स्वच्छता पर उतना चिंता नहीं करत रहे, छोटे छोटे बात रही स्वच्छता, कचरा मन कहीं फेंकाए रहे मंदिर में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थल में, घर में भी उतना सफाई के हमन ध्यान नहीं देते रहे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही हमार माता बहनी मन के इज्जत के लिए शौचालय के निर्माण के भी शुरुआत अच्छे से हमर प्रधानमंत्री जी करीन। बोला मालूम है मैं बहुत दिन से राजनीति के क्षेत्र में हो, पहले भी स्वच्छता के लिए शौचालय के निर्माण वगैरह हुई लेकिन अगर कोई उपयोग नहीं होते रही से। लेकिन जब 15 अगस्त 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के हमर प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करीन और तब से 12,000 12,500 रुपया देना शुरू करें, जगह जगह सामुदायिक शौचालय वगैरह के निर्माण शुरू हुई, तब से हमारे ये माता बहनी मन के सम्मान भी बढ़ी। कई प्रदेश में ये शौचालय ला इज्जत के घर, इज्जत घर ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सब हमार प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, और एक मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि गरीब के बेटा ही गरीब के दुख दर्द ला जानी। बड़े बड़े शहर में रहिया पैदा होने वाला मनोमन नहीं जाने कि गांव में गरीब बन के समस्या का होते, लेकिन हमर नरेंद्र मोदी जी इस सबला अच्छा से जानते। और इसलिए मोला ये भी मालूम है कि जब पहला दिन प्रधानमंत्री के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में भाषण करीन, वो दिन भी कह रहीन कि मेरी ये सरकार गांव गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और आपन देखा कि पहला 5 साल उमन के सरकार गरीब मन के लिए ही समर्पित हुई, गरीब मन के लिए शौचालय के निर्माण, गरीब मन के खाता नहीं होते बैंक के, घर घर खाता, जनधन के खाता, आज ओकर मतलब आवश्यकता पता चला थे ना, पहले खाता नहीं रहते रही गरीब मन के, तो सरकार के पैसा भी सीधे खाता में नहीं आते रही, तो एती ओती चोरी भी हो जाए, लीकेज भी हो जाए। लेकिन आज सरकार के सब पैसा हितग्राही मन तक, गरीब मन तक सब 100% पूरा 1 रुपया के 1 रुपया पहुंचत है। तो ये सब जनधन खाता के लाभ मिलत है। आज गैस सिलेंडर देहे के काम होइस, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण होइस, घर घर बिजली पहुंचाए के काम होइस, ये सब काम गरीब मन के 5 साल में हमर प्रधानमंत्री जी करी नहीं। तो आज ये स्वच्छता ही सेवा, सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं जन्मदिन की। और भगवान से दुआ मांगते हैं कि वो स्वस्थ रहें और 140 करोड़ भारतवासियों का इसी तरह से वो सेवा करते रहें। और स्वच्छता ही सेवा है ये पखवाड़ा हम लोग आज उसका शुभारंभ किए हैं, पूरे देश में इसका शुभारंभ हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप 15 दिन तक के कार्यक्रम
चलेंगे और साफ सफाई भी होगा। सार्वजनिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबका, अपने अपने घरों का भी, और सबको एक आदत में इसको लाना चाहिए, स्वच्छता अभियान को। हमको लगता है कि ये 15 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें फिर लोग चार्ज हो जाएंगे और अगले एक साल तक उत्साहित होकर इस अभियान को चलाए रखेंगे।